सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। संस्कृत विद्या में अध्ययन अध्यापन एवं अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रणी तथा विश्व की प्राचीनतम संस्कृत संस्था जो आज संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात है, ख्रिस्तीय वर्ष 1791 से निरंतर विश्व समाज को दिशा निर्देश प्रदान कर रही है। इस तपोभूमि को अनेक ऋषिकल्प आचार्यों ने अपनी तपस्या से पवित्र किया है। ऐसे आचार्यों के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व को विश्व समाज तक पहुंचाने की दृष्टि से विद्वत वैभव परंपरा नामक वृत्त चित्रों की एक श्रृंखला आरंभ की जा रही है। यह श्रृंखला उन आचार्यों के प्रति एक विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने अध्ययन अथवा अध्यापन के माध्यम से इस महनीय संस्था का गौरव वर्धन किया। यहाँ पर एक एक मनीषी एक एक विद्वान हुए, उसमें व्याकरण के विद्वान, साहित्य के विद्वान, ज्योतिष के विद्वान, अनेक प्रकार के विद्वत विद्या के रत्न के रूप में विद्वान पैदा हुए। उन विद्वानों ने अपनी विद्या विभूति से सारे विश्व को व्यक्त किया। अपदेव शास्त्री, पाल शास्त्री, तात्या शास्त्री, अनेक प्रकार के शास्त्री शिवमणि विराजमान। यहाँ पंडित परंपरा द्विविधापि पंडित परंपरा, पाश्चात्य पंडित परंपरा, भारतीय पंडित परंपरा अत्र विश्वविद्यालये आसीत्। सा परंपरा अनितर साधारण अपि च विलक्षणा अपि वर्तते। तत्र एवं षडधिक संख्याकाः विभूतयः पंडित विभूतयः तेषु दिवसेषु सीआईई महामहोपाध्यायेति बिरुदभाजः आसन्। चत्वारः अथवा पञ्च पद्मविभूषणाः, पञ्चाधिकाः वेंकटाचलं प्रभृतयः पद्मश्री सम्मानेन सुभूषिताः आसन्। अपि च उपचत्वारिंशत् राष्ट्रपति सम्मानिताः विद्वांसः वर्तन्ते। निश्चित रूपेण यद्यपि काश्याः महत्त्वं विद्या वैभवस्य तु सर्वत्र विश्वस्तं, न केवल स्वर्गे भी बढ़ते। ये जो रूप खड़ा हुआ है ये वंशों विस्तार राम जादू कीर्ति जट दिगंतरम, ये वंश का विस्तार कीर्ति इस विश्वविद्यालय की इस देश में विदेश में पड़ोस में सब जगह संस्कृत का झंडा लहरा रहा है और लहराता रहेगा, यह हमारी शुभकामना। विश्वविद्यालय का कार्य तो पहले से ही करता रहा, बाद में स्थापना हुई व्याकरण साहित्य मीमांसा, सभी शास्त्रों के पंडित, व्याकरण के पंडित मुरलीधर, साहित्य के पंडित पट्टाभिराम शास्त्री, मीमांसा में पट्टाभिराम शास्त्री, गोपीनाथ कविराज, वेद में भगवत चरण उपाध्याय, आचार्य प्रवराह, नव्य पाणिनि भूताः, राम प्रसाद शास्त्री महोदयाः, ते तावत् अस्माभिः दृष्टाः। अनेनैव प्रकारेण महामहोपाध्यायाः गोपीनाथ कविराजाः अत्र आसन्। अस्मिन् विश्वविद्यालये अस्य विश्वविद्यालयस्य प्राङ्गणे पदे पदे तेषां महापुरुषाणां स्मृतिः इदानीमपि तावत् अनुस्यूता वर्तते। मन्ये अनया योजनया, अनया चलचित्र योजनया तेषां पुण्यस्मरणं भविष्यति। इस न्याय परंपरा का आरंभ वाराणसी में मान है तो जहाँ तक सुनने और देखने में आ रहा है वामाचरण भट्टाचार्य जी से ही यह परंपरा शुरू होती है। इनके चार जो शिष्य हैं जिसमें पंडित राजराजेश्वर शास्त्री द्रविड़ और पंडित वामाचरण भट्टाचार्य और शिवदत्त मिश्र का वैशिष्ट्य था, इनके द्वारा
मार्ग प्रदर्शित।